आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा, लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएडी ग्राउंड में अन्नकूट महोत्सव में शरीक होंगे, शिलान्यास समारोह में भी शिरकत करने का उनका कार्यक्रम है। लोकसभा स्पीकर जब भी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं तो ज्यादा वक्त वो लोगों से मिलने में और उनकी समस्याओं के समाधान में ही बिताते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, हर दिन वो जन सुनवाई करते हैं और जन सुनवाई करके सभी के समस्याओं के समाधान के लिए वो कोशिश भी करते हैं। ये जरा देखिए, समस्याओं को गौर से सुना जाता है, उसके बाद सिग्नेचर किए जाते हैं ये बताने के लिए कि देखिए मैंने इसको अप्रूव किया है। अगर ये न्याय संगत तर्क संगत नियमानुसार अगर राहत मिल सकती है तो जरूर राहत दी जाए। जनसुनवाई कार्यक्रम, हालांकि इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शिरकत करने वाले हैं, कोटा के दौरे पर हैं, कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सीएडी ग्राउंड में अन्नकूट महोत्सव में भी वो शरीक होंगे और इसके अलावा कई ऐसे काम हैं जिनका शिलान्यास आज किया जाएगा, यानी कि जिनको शुरू आज किया जाएगा। मेरे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, ये तो अमूमन हम देखते हैं कि सांसद साहब जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो वो जन सुनवाई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं, आज के उनके कार्यक्रम बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं विजेंद्र वो आपको यहां पर नजर आएंगे जो कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से जुटे हैं, और आपको स्पीकर ओम बिरला भी नजर आएंगे जो कि लगातार लोगों से मिल रहे हैं और जनसुनवाई कर रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा इस जनसुनवाई का एक मैकेनिज्म है विजेंद्र, वो मैं आपको वक्त दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए सबसे पहले जो भी यहाँ पर परिवादी आता है, आप देखिए इस तरह से अलग अलग समूहों में अलग अलग टीम्स बनी हुई है, डिपार्टमेंट वार इलाके वार, वो उनको डील करती है, उनकी समस्याओं को चिन्हित करती है। इसके बाद आप देखिए इस टेबल से होते हुए और वापस आपको मैं इस टेबल पर ले जाकर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए यहां अलग तरह से समस्याओं को छांटा जाता है और इसके बाद जो चिन्हित परिवादी होते हैं उन्हें भेजा जाता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास और इसके बाद जनसुनवाई का ये दौर चलता है। आप देखिए आपको तस्वीरों में बिरला नजर आ रहे हैं, इस वक्त वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और दो तीन चरणों से निकलने के बाद जब ऐसा लगता है कोई ऐसी समस्या है जिसको लेकर के सीधे बिरला को उस समस्या को देखना है, लोगों से बात करनी है, वो उस वक्त लोगों से बातचीत करते हैं, उन समस्याओं को देखते हैं और जिस भी विभाग से संबंधित वो समस्या होती है उसको रेफर किया जाता है। कई विभागों के अधिकारी भी आमतौर पर यहाँ पर मौजूद रहते हैं और अगर कभी ऐसा होता है कि उसको लेकर के कहीं और किसी उच्च अधिकारी से बात करनी है तो वो भी किया जाता है और प्रयास ये भी रहता है कि अगर कोई गुस्से में भी होता है, कोई नाराज भी होता है, किसी को ऐसा लग भी रहा होता है कि उनका काम नहीं हो रहा है तो जो सांसद साहब की मुस्कुराहट है ना वो उस गुस्से को कम करती है, एक भरोसा दिलाती है कि नहीं आप यहां हैं तो काम हो जाएगा, कुछ ऐसा अभी भी दिखाई दे रहा है। आपने बेहतरीन पॉइंट पिक किया विजेंद्र, देखिए जनता दरबार का मतलब यही है, यहाँ तो सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह की समस्याएं लेकर के आते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हर समस्या उनकी यहाँ पर सुलझाई जाएगी, समाधान उन तक पहुँचाया जाएगा। तो देखिए जब लोकसभा स्पीकर जैसे बड़े पद का बड़े प्रोटोकॉल का जब नेता इस तरह से लोगों के साथ इतनी सहजता से मिलता है तो जाहिर तौर पर लोग भी अलग तरह का एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर के जाते हैं। बिरला साहब सुबह से लगातार मिलने मिलाने का दौर जारी है लेकिन मेरे साथ ही विजेंद्र अभी फ़ोन पर स्टूडियो से मुझसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई गुस्से में भी आता है स्पीकर साहब की जो मुस्कान है वो उसको पिघला देती है। गुस्से में किसी का व्यक्ति का काम नहीं होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, बहुत लंबे समय तक कामों के लिए संघर्ष करता है तो मन दुखी होना स्वाभाविक है क्योंकि सामान्य प्रक्रिया में कई प्रशासनिक लापरवाही के कारण भी कई लोगों के काम अटकते रहते हैं और बहुत लोग चक्कर काटते रहते हैं, इसीलिए वो जनप्रतिनिधि के पास आते हैं। सामान्य प्रक्रिया अगर ठीक से हो, प्रशासन ठीक से काम करे, लोग सुने, न्यायपूर्ण करता रहे तो राजनेताओं के पास क्यों व्यक्ति आए, इसलिए परिवार लेकर आते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जिसके साथ सबके साथ न्याय है, समान व्यवहार करो, जिसको जितने समय उसका काम होना चाहिए उसको बेहतर परिणाम नहीं हो सकता है तो कारण सहित उसको बताएं कि